ये चैलेंज करना जरूरी है क्या यार? ये चैलेंज ऐसी मोमबत्ती चलता है ना, मेरे को तो तभी से ही डर लगना चालू हो जाता है इस चैलेंजेस में। गाइस ये घोस्ट पेपर चैलेंज में ना बहुत रिस्क है। घोस्ट पेपर चैलेंज यानी कि भूत और मिर्ची चैलेंज? मिर्ची नहीं, घोस्ट बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि प्लीज तुम ये चैलेंज ट्राई करो, प्लीज करो, तो करना तो पड़ेगा ही ना। तो गाइस ये रिस्क ले, रिस्क है तो इश्क है। उमेश वो आएगी ना ऊपर से नीचे तो फिर इश्क के साथ इश्क बराबर बाहर आ जाएगा। एक मिनट तो पहले इन्हें बता दे कि टाइम कितना हुआ है। तो ये चैलेंज हम करने वाले हैं रात के 3:00 ओके ये 2:56 कुछ हो गए हैं। ओके तो हम आपको दिखाते हैं कि हमारे पूरे स्टूडियो में कोई नहीं है, बस हम चार हैं और कैमरा मैन है हमारा। गाइस ये चैलेंज करने के लिए ना अंधेरा होना चाहिए, ये कंपलसरी रूल होता है। ओके और घर में या जिस भी जगह पर तुम कर रहे हो तुम्हारे अलावा कोई नहीं होना चाहिए, इसलिए अभी हम रात में कर रहे हैं। आप देख सकते हो गाइस कि ऑफिस में कोई नहीं है, सिर्फ हम लोग हैं। एक तो ऑफिस है ही इतना बड़ा ना। हाँ ना, कितना डरावना लग रहा है मुझे। ओह माय गॉड यार, गाइस तुम्हें इस चैलेंज की बैक स्टोरी पता है क्या? नहीं। ये चैलेंज ना बहुत लोगों ने किया है लेकिन किसी को इसकी स्टोरी ही नहीं पता। मैंने थोड़ा रिसर्च किया तो मुझे क्या पता चला पता है? क्या? कि एक ना हस्बैंड वाइफ थे जो गांव से बहुत दूर ऐसे जंगल में रहते थे। तो वो हस्बैंड को ना अपने बीवी से छुटकारा पाना था तो उसने क्या किया, एक दिन घर की सारी लाइटें बंद कर दी, मतलब मेन कनेक्शन ही बंद कर दिया। पूरा खाना उठा के उसने घर के बाहर फेंक दिया क्योंकि उसको अपने बीवी को अंदर लॉक करना था। तो उसने उसे लॉक किया और वो बाहर चला गया। वो बीवी ना दरवाजा खटखटाती रही, चिल्लाती रही लेकिन कोई आया ही नहीं। फिर उसने क्या वही तो उसने क्या किया, एक पेपर लिया और उसके अंदर सवाल लिखे, अपनी स्टोरी लिखी, लोगों को बुलाती थी उस पेपर के जरिए। और वो पेपर दरवाजे से बाहर फेंक देती थी। उसे लगता था कोई आने जाने वाला देख लिया तो दरवाजे के नीचे से ना। ओके हाँ, लेकिन वहाँ से ना ना कोई आया ना कोई गया। फिर उस लड़की का क्या हुआ? वो ना 10 दिन के बाद रात को 3:00 उसके वो दरवाजे के यहाँ पे मौत हो गई। वो कहते हैं कि वो ना जब भी कोई दरवाजे से नीचे से ऐसे चिट्ठी डाल के उसे सवाल पूछता है ना तो वो जवाब देने के लिए आती है। चलो हमारे पास 3:00 के लिए सिर्फ 1 ही मिनट बाकी। चलो गाइस ये वाला दरवाजा हमने चुना है तो ऐसा होता है कि आपको दरवाजा पहली चीज तो लॉक करना होता है। अभी तो 3 हो चुके हैं, अभी हमें वो एक मंत्र होता है वो यहाँ पर लिखना पड़ेगा। ठीक है मैं लिखती हूँ। और वो लिखकर हमें 3 बार वो बोलना पड़ेगा और वो बोलने के बाद दरवाजे के उस पार उस साइड पे वो स्पिरिट आ जाता है और फिर तुम उसको पेपर पे लिख कर सवाल पूछ लो और यहाँ से स्लाइड कर दो। ओके तो उसके ऊपर जवाब लिख कर तुम्हें भेज देगी। चलो मैं लिखती हूँ बोलो। अरे तू कैसे लिखेगी, तू डॉक्टर है, तेरी हैंडराइटिंग किसको ही समझती है यार। अरे अच्छी है मेरी हैंडराइटिंग। अरे भूत भी कंफ्यूज हो जाएगा, हाँ लिखने का नहीं हाँ लिखने का। ठीक है लिखते तू ही फिर। तो हमें क्या लिखना है? स्पिरिट ऑफ द पास्ट। अरे प्रेजेंस का स्पेलिंग तो बोलो कोई मुझे। उमेश ये सब गवारे रही है। वही PREESE और नीचे हार्ड बनाओ क्या? ये उमेश सीरियसली रे यार, वही ना, अब क्या करना है? इसे हमें 3 बार बोलना है। ओके वो स्पिरिट आ जाएगी। ओके चलो मतलब show me your presence. उमेश माता का जगराता नहीं शुरू है। वही तो, इसको ना कभी सीरियसनेस ही नहीं रहती है। स्पिरिट ऑफ द पास्ट शो मी योर प्रेजेंस, स्पिरिट ऑफ द पास्ट शो मी योर प्रेजेंस, स्पिरिट ऑफ द पास्ट शो मी योर प्रेजेंस। तो ये हमने 3 बार बोल दिया है। सच्ची मुझे भी एक आवाज आया, मतलब ऐसा बोलते हैं कि ये 3 बार बोलने के बाद दरवाजे के पीछे स्पिरिट आ जाती है।
चेक करे। हाँ। डालते नीचे। तो इसे हम इस तरह से डालेंगे। तो अभी क्या अभी वेट करते हैं? वेट करना पड़ेगा हमें उसका प्रेजेंस जानने के लिए। इस डॉक्टर आऊंगी ना के लिए क्या? विश तू और तेरे बकवास जोक ना बंद कर। लिखा है क्या? कुछ लिखा है? कुछ भी नहीं लिखा है। एक काम करते हैं हम लोग ना डायरेक्टली सवाल ही पूछते हैं। हाँ, शायद हमें जवाब मिले। वही आर यू हियर? हाँ स्पिरिट, आर यू हियर? सो दिस का आंसर गाइस, ये देखिए गाइस, लिख तो दिया आर यू हियर। वहां पर गाइस आप देख सकते हो, वहां पर वो कॉर्नर हमने यहाँ पर रखा है कि हम वापस उसे देख पाए पेपर को। सुनो ना, पर रुके रुकते आना तो चाहिए था जवाब। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि बाहर कोई है? ऐसी मुझे परछाई जैसी लग रही है, मालूम नहीं क्यों। सच में ऐसे थोड़ी हो सकता है, परछाई पता नहीं आ भी गई होगी तो वो जरा देखना। उमेश जरा निकल के देखना। दरवाजा खोलने में किसकी हिम्मत नहीं है, पूछते ना अगर हमें लगता है कि ये आंसू है मतलब वो दुखी होगी। एक काम करते, लिख दिया है। अब देखते हैं क्या जवाब आता है। सिर्फ आता ही वहाँ से। गाइस अभी वो वहाँ पर डाल तो दिया है, होपफुली आंसर आना तो चाहिए। हाँ। कुछ हो तो नहीं रहा है। मुझे ना ऐसी ठंडी हवा आई ऐसा लगा। मुझे क्यों डरा रही है यार? सीरियसली मुझे ऐसा लगा। ऐसा कैसे हो सकता? अभी तो यहाँ पर कुछ हम लोग वो पेपर निकाल के देखते हैं क्या? ये चैलेंज ही नहीं करना चाहिए था मुझे। हाँ ना। ओके। कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी नहीं। मुझे लगता है हमारा वैम था क्या ये? ये मतलब वो कुछ गिरा होगा पानी में। क्या होगा फिर? एक काम करते, कुछ आइडिया है? नहीं नहीं, एक काम करते, वो बोलते कि अगर तुमने उसे आईने के सामने बुलाया ना तो वो आ जाती। नहीं नहीं देख, आधे में नहीं छोड़ सकते उमेश। हां नहीं, चल चलो मिरर के यहाँ पे जाते हैं। अभी मिरर के वहाँ क्यों आए हैं? अरे मिरर में हम उसे बुलाएंगे तो वो आ जाएगी। जल्दी जल्दी जैसा। हाँ कैसे उमेश तो बुला ना। अरे प्रीति तू ही बुलाया। स्पिरिट ऑफ द गोस्ट आर यू हियर? कुछ भी बोल रहे हैं। स्पिरिट ऑफ द गोस्ट क्या तुम यहाँ पर हो? क्या हुआ? वो दरवाजे के यहाँ पे ना कुछ तो देखा। कौन सा दरवाजे के यहाँ पे? ये दरवाजे के यहाँ पे मैं जा रही हूँ। अरे कुछ नहीं है वहाँ पे। हाँ ये प्रीति मेरा सच्ची कुछ है क्या? क्या इधर मुझे सच्ची लगता है बेड पे कोई था। माना मैं क्या? हाँ यार ठीक तो थी। एक मिनट, ये दरवाजा खुला क्यों है? दरवाजा बंद था ना, ये लॉक किया था ना। मुझे नहीं लगता है। किसने बंद किया? नहीं बंद तो मैंने किया, लेकिन मैंने खोला नहीं था ये दरवाजा। क्या हुआ? संकेत खोलो से लॉक ऑन कर लो। मैंने तुम्हें बोला ना, मैंने ना वो मिरर में देखा था। फिर भी नहीं खुल रहा। मुझे लगता है वो स्पिरिट हमारे साथ खेल रही है अभी। हमने देखा थोड़ी अभी तक। मैं बोल रही
तो उसको बोलो आई एम सॉरी वी आर सॉरी वी आर सॉरी प्लीज लीव अस. हमने लिख दिया हमें नहीं चाहिए अभी बस हो गया. लेकिन तुम्हें लगता है कि वो चली जाएगी? अगर इसके ऊपर कुछ नहीं हुआ उसका मतलब चली नहीं रही है. ठीक है दरवाजा तो खोलना चाहिए. मुझे तो बहुत डर लग रहा है. कोई नहीं बचने वाले में. यार मैं तो संगीत पहले कोड़ता सब नहीं करते हैं यार. पिछले वीडियो में भी याद तू हमेशा मजाक करते हैं ना इस स्पिरिट का. तो मैंने भी मजाक किया यार उस चीज में यार. अरे पहले देखते तो हमने क्या लिखा उसमें आया भी क्या नहीं आया. मुझे नहीं लगता कुछ आया भी होगा. क्यों जला हुआ.